नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, फैसले करें वरना घर जाएं। कॉलम निगार हैं अंसार अब्बासी और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। अगर फैसले नहीं करने थे तो हकूमत ली ही क्यों थी। एक एक दिन इंतहाई अहम और हम हर गुजरते दिन के साथ माशी तौर पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके नतायज बहुत ही खतरनाक होंगे। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके नतीजे में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो जो नतायज होंगे उससे ना सिर्फ महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान की सूरत हाल श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। हम तबाहो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मईशत को बदतरीन सूरत हाल का सामना होगा, मुल्क को खुदा न खास्ता खाना जंगी का मुमकिन सामना करना पड़ सकता है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया लेकिन फैसले या तो लंदन में नवाज शरीफ के हाथ में हैं या फिर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के मरहूने मिन्नत। शहबाज शरीफ को वजीर आजम इसलिए बनाया कि वो परफॉर्म करने वाला सियासतदान है, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथ और पाँव बांध कर रख दिए गए और फिर तवक्को ये की जा रही है कि वो फैसला भी ना करे और मुल्क को इस मुश्किल से भी निकाल दे। अब ये बात मत करें कि इमरान खान ने क्या ठीक किया और क्या गलत, हकूमत ली है तो फैसला करें। अब जिम्मेदारी इत्तेहादियों की बिलअमूम और नून लीग की बिलखसूस है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो इससे मौजूदा हकूमत बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। एक एक दिन कीमती है, अगर फैसले नहीं करने थे तो इमरान खान की हकूमत क्यों खत्म की और खुद हकूमत में क्यों आ बैठे। अब मामला नून लीग, पीटीआई या पीपीपी का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने अपने सियासी फायदे या नुकसान की खातिर पाकिस्तान का ही नुकसान कर बैठें। और अफसोस कि यही होता हुआ नजर आ रहा है। लंदन में 3 से ज्यादा दिन जाया कर दिए मगर कोई फैसला नहीं किया। फैसले नहीं करने तो हकूमत छोड़ें, वक्त मत जाया करें। ये 2-2 वज़रा-ए-आज़म और 2-2 वज़रा-ए-खजाना वाला खेल नहीं चल सकता। मैंने पहले ही कहा था कि इमरान खान को मत निकालें, अगर निकालें तो फौरी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि दर्जन भर इत्तेहादियों के साथ कोई हकूमत नहीं चल सकती। और यहाँ इस हकूमत से तवक्को ये की जा रही है कि बड़े फैसले करे, जिसके लिए ना नवाज शरीफ तैयार हैं, ना जरदारी और ना ही मौलाना फजलुर रहमान। शहबाज शरीफ को अगर वजीर आजम बनाया था तो उन्हें शहबाज शरीफ ही रहने देते। सब तवक्को तो कर रहे हैं कि वो हालात को फौरी बेहतर करें, लेकिन फैसलों का इख्तियार वजीर आजम के पास है ही नहीं। मेरी तो शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आज ही इस्तीफा दे दें ताकि नई हकूमत आए और पाकिस्तान को बचाने के लिए फैसला करे। नून लीग ने पहले गलत फैसला किया और इमरान खान हकूमत गिराने के प्लान में शामिल हो गई। अब नून लीग एक और गलती बल्कि बहुत बड़ी गलती कर रही है कि पाकिस्तान की बका की खातिर जो फैसले करने हैं उन फैसलों से इसलिए कतरा रही है कि उसे कहीं सियासी नुकसान ना हो जाए। यानी नून लीग, पीपीपी, जेयूआईएफ का सियासी नुकसान पाकिस्तान के नुकसान से ज्यादा अहम है। अब जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी इमरान खान को बुरा भला कह लें, अगर पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया तो नून लीग और इत्तेहादी इसमें बराबर के जिम्मेदार होंगे। अभी वक्त है, सोच लें, देर मत करें, श्रीलंका के हालात पर नजर दौड़ा लें और याद रखें कि अगर अपने अपने सियासी मफादात की भेंट पाकिस्तान को चढ़ाया गया तो फिर इसके नतायज सबको भुगतना पड़ेंगे। इसलिए फैसले करें या घर जाएं। ना ये सियासत का वक्त है और ना ही पाकिस्तान को लाहक फौरी खतरात से सरफे नजर किया जा सकता है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।